तरीके से क्या है। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी संस्कृति के चार अध्याय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है क्या है, आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन नंबर का, बी नंबर यानी अंधकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर का, डी नंबर यानी सॉरी चार नंबर का, रामवृक्ष बैनीपुरी, यानी हिंदी साहित्य का भूमिका किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर रामवृक्ष बैनीपुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके पूर्व से पाँच नंबर है क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाँच नंबर का, ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश में राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो दोस्तों आज हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आज जो पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कर रहे हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठा नंबर का, ए नंबर यानी गोपाल सिंह नेपाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, सात नंबर क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर का, बी नंबर यानी स्वावलंबी होना, यानी स्वावलंबी होना राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, रहीम के दोहावली में कितने दोहे संग्रहित हैं, का डी नंबर यानी 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, जल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो जल शब्द का पर्यायवाची अगर आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये बचपन में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो नौ नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था, तो दस नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी सन 1924 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का, बी नंबर यानी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख, जीवन और यौवन के रचयिता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का, सी नंबर यानी आरसी प्रसाद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं और जवाब नीचे में आप लोग स्किप करके दिखा देंगे आप लोगों को, तो 13 नंबर क्या है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्किप करके, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से क्या है, 14 नंबर का, सी नंबर यानी महर्षि महाजोर ऋषि बराबर महर्षि राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन तो स्क्रीन पर आ चुकी है देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर कसना का क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर यानी दृढ़ निश्चय कर लेना, तो इसका राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, जिसके 10 आनंद है, यानी उसको क्या कहा जाता है, ये है जो अनेक शब्द का एक शब्द, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 10 आनंद राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरह 16 नंबर क्वेश्चन है क्या है, देवता शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा, देवता पुल्लिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके 17 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, सी नंबर यानी भाववाचक संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके 18 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, जीव शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी जैविक राइट आंसर जैविक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी 19 नंबर का, सी नंबर यानी द्विज कहलाता है, राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगर किस स्वभाव का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी स्वाभिमानी लड़का था। पंच में किसका वास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर परमेश्वर का वास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके पूर्व तक से क्या है, प्रधान शब्द का विलोम शब्द है, तो प्रधान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात, गौन का प्रधान विलोम शब्द होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके पूर्व तक से क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन
मास शब्द का विशेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सी नंबर, यानी मासिक, मासिक जो है मास शब्द का विशेषण है, राइट आंसर सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, पूरी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है, प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर का डी नंबर, यानी अब्दुल रहीम खान खाना, राइट आंसर डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से, तो देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, दिनकर जी की रचना कौन नहीं है, दिनकर जी की रचना कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 नंबर का बी नंबर, यानी पल्लव जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग, आदान शब्द का विलोम शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर प्रदान, यानी आप लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि ये बचपन में ही हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या है, ऐसा हो कोई आ जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, 27 नंबर का बी नंबर, यानी अनिश्चयवाचक ये सर्वनाम है, इसका नंबर, इसका राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो नेता का, यानी नेत्री, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग, क्या, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नए जोर अक बराबर नायक, राइट आंसर, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है, आनंद शब्द का पर्यायवाची है, तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 30 नंबर का सी नंबर, यानी आमोद, राइट आंसर आमोद। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन को कवर किए, इसमें से शायद आपको कुछ क्वेश्चन पता नहीं था, जो आप लोग को पता हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।